मेरे भाई नहीं गए तीन वैसे। तो कैसे हुआ ये हादसा? ये हादसा को दोस्तों हम मंदिर आ गए हैं, चलो चलना पा रहा बिल्कुल, गर्म पट्टी बांध के पड़ा हुआ है। मैं करूँगा डॉक्टर के पास, चल मम्मी भी बोल रही है उसकी, बताओ क्या करूँ। दोस्तों हमारे ठीक ठाक बनते के पैर में पता नहीं मोच आई है कि फ्रैक्चर आया है। बेबुद्धि के चल रही है कहाँ? पायल के घर, शिवांशु के घर। ठीक ठाक बंदे के पैर में चोट आ गई है भाई। ठीक ठाक बंदा है, ठीक ठाक तरीके से काम करेगा। कितने बेशरम लोग हैं, सही में कितने बेशरम लोग हैं। चोट का नाम सुन के हंसी आ रही है इसे। और करो भाई, ज्यादा आई हो तो फ्रैक्चर भी हो सकता है उसके पैर में। सही बात है भाई, कच्चे बनियान में हमारे सस्ते ब्रैड पिट जी रिकॉर्ड हो चुके हैं। क्या मतलब इसकी क्रश अब इसे कच्चे बनियान में देख लेगी? हमें छपरी मरने की हरकत। आज पायल स्कूल नहीं गई, सही में नहीं गई, देख लियो घर पहुंच के। आज दोस्तों हमारा एक प्लान बना है बहुत मस्त वाला, लेकिन ये नहीं पता कि प्लान सक्सेसफुल होने के कितने चांस है। चल अंदर आइए दोस्तों, देखते हैं ठीक ठाक बंदे के हाल चाल। ओह माय गॉड, ठीक ठाक बंदा तो पड़ा है। अभी तूने क्या कहा था? हमारे तो डंडी भाई। अभी इसने क्या कहा था? कितने दिन बाद ब्रश करते हैं ये? तूने कहा था झूठ बोल रहे हैं ये। कहियो माँ कसम का। माँ कसम कितने दिन बाद ब्रश करता है? तो कैसे हुआ ये हादसा? ये हादसा कुछ ऐसे हुआ था, मैं अपने दोस्त को पकड़ रहा था, वो भाग रहा था, तो मैंने उसे पकड़ भी लिया था। अच्छा पकड़ भी लिया था, मेरा पैर मुड़ गया था गड्ढे में आ गया था। पकड़ने से पैर मुड़ गया तेरा? अरे गड्ढे में पैर आ गया था मेरा, गड्ढे में पैर आ गया था। तो ऐसे हो गया फिर। So sad. कोई नहीं, पानी पी ले। दोस्तों ये पकड़ने वाले खेल बड़े रिस्की होते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए कभी भी। yeah. तू मत पकड़ा कर, पकड़ दे। तू क्यों दुखी बैठी है? मैं इसलिए दुखी बैठी हूँ कि पायल कहाँ है। पायल को बुला के ला, पायल को बुला के लियो। असल बात तो यह है दोस्तों कि आज हमारा मूवी देखने का प्लान बना था, मगर ठीक ठाक बंदे के पैर में मोच के कारण सब कुछ कैंसिल सा लग रहा है। दोस्तों ये मुझसे ये सुन भैया, तूने कल मेरे पैर सैंडल मारा था, देख क्या हालत हो रही है। ये देख भैया के पैर फूट जाते। ठीक है, गोल गप्पे खाएगी? गोल गप्पे तू खाएगी? गोल गप्पे तू? मेरा तू खाएगा? इसने मना कैसे कर दी? कटोरा प्लेट तो ठीक है, यहाँ फैल जाएंगे यार। इज्जत से खाएंगे तो कुछ नहीं फैलेगा। ये सौंट वाली टिक्की है, तू बहुत सही ले आया। सौंट वाले गोल गप्पे पत्ते कहते हैं इसे। हाँ जो भी कहते हो। तेल का पानी हटा जल्दी। लेट मी हैव वन। तो ठेसो जी तेरा तो दादाजी बीमार है, कभी भी जा सकते हो तो गोल गप्पे खा रहे हैं। कौन खाएगा पुए? मरील खाई। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आए मेरी बात सुनो। ओए रुक जा, ओए रुक जा, लड़ाई मत करो, हिस्से कर लो हिस्से। मैं कर रहा हूं। बाबा जाने वाले हैं तेरे, बाबा ने अंदर गया। ओए क्या करेगी? पायल करेगी इससे। आया आया यहां बैठ। ओए लड़ा मत, ठीक है? लड़ूंगा नहीं, चली तेरे घर के आ जाऊंगा। क्या हो गया? आप सोच रहे होंगे कि ये दंगा आखिर क्यों हो रहा है। झगड़े की वजह की गोल गप्पे किसने कितने खाए, क्योंकि यहाँ सभी का कहना है कि हम सभी को गोल गप्पे कम मिले हैं। सभी लोग अपने अपने खाने की गिनती बताते हैं, मगर फिर भी सभी का यही कहना है कि मैंने कम खाए, मैंने कम खाए। पानी कितनी खाई?
अगर ठेस बुद्धि को सबसे कम गोलगप्पे मिले तो आखिरकार सबसे ज्यादा गोलगप्पे किसने खाए? अमित भैया, अमित भैया, क्या हूँ क्या? दोस्तों इन्होंने फेस पैक लगा रखा है, पता नहीं क्या लगा लिया, गोबर लगा। ये क्या भाई? ऐसा लग रहा है इन्होंने गू लगा लिया अपने चेहरे पर। अरे भाई इसमें लात दे दे, लात आर्टिफिशियल, वाह तीसरी टांग दे दी इसमें। जी हाँ दोस्तों, मैं तैयार हूँ मंदिर जाने के लिए। और तो भैया मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम बेकार लग रही है पायल तब भी, मगर व्हाट इज दिस, ये मैचिंग कंट्रास्ट, ये देखिए इसके सूट का कलर इससे मैच कर रहा है। इसको कहते हैं, मुझे नहीं पता फैशन कहते हैं कि नहीं कहते, बस मैंने तो ठीक है। वो कहाँ है? साइलेंट साइलेंट गाड़ी में बैठ के अंदर, इसीलिए मैंने खड़ा किया यहाँ। अंदर बैठो चलो। ओहो ऐसे कहेगी अब तू? ले और मैं कछु कह रहा हूँ फिर। क्यों टिकटॉक पे देख रही हूँ? सही तो है दोस्तों, बाल बाल होते हैं चाहे वो बाहर हो या बंधे हुए हो, है कि नहीं? चलो तो जी हाँ दोस्तों, सभी लोग तैयार हैं चलने के लिए। और हाँ तो ड्राइवर चलिए तो चुप रहे। और यहाँ पर आएंगे हमारे काका सेठ, जिनको हमें उनके टाउन से उठाना, यानी उनकी कॉलोनी से। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप अंदर बैठो यार, तुमने मेरे को बहुत वेट करवाया है। क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं। बहुत बेल्ट आ जाएगी? नहीं नहीं सर, आ जाएगी आ जाएगी। अरे ये अनामिका दीदी तो नहीं है, इनका नाम क्या है बताओ? बताओ ये तो राखी दीदी है। कौन सी वाली? ये बीच वाली। ठीक है। और ये पायल दीदी है। हाँ ये कौन सी दीदी है? साइलेंट साइलेंट गन अनामिका। हाँ गन गन। मैं ना थोड़ा शर्मा रहा हूँ, मैं पहली बार मिला हूँ ना तीनों से। ओके शर्माइए फिर, तो तुम्हारे सामने भी शर्माया था ना मैं। ठीक है दोस्तों, हम मंदिर आ गए हैं, श्री वरद वल्लभ गणपति मंदिर। गाड़ी यहीं लगा दो। हाँ नहीं मारा तो जा साइड साइड है। मैं काम करता हूँ, जूते गाड़ी में उतार देता हूँ, चप्पल गाड़ी में उतार सकते हो। कोई नहीं, इतना भी गर्म नहीं है। चलो इधर से नहीं, आगे से दो प्रसाद हो जाएगा। बैंक साथ में चल रहा है, दिक्कत इस बार। हाँ बैंक हूँ मैं, बैंक है। दोस्तों ये सुंदर सा गणेश जी का मंदिर आगरा के कुबेरपुर में स्थित है। दर्शन तो हो गए हैं लेकिन मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता। चलिए दोस्तों अब चलते हैं। कौन से मंदिर? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के मंदिर। देर तक रुकी है यार, मंदिर अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ तो वहाँ रुकेंगे, यहाँ से तो चले। रुकने का कुछ है नहीं, छोटा सा हॉल है बस, उसमें जगन्नाथ जी। कोई नहीं, जल्दी दर्शन करके आ जाएंगे, फिर कहीं एक अच्छी सी जगह पर बैठ लेंगे। ठीक है पानी पीना है? हाँ पानी पीना है। अरे हाँ आ जाओ भाई, बैकग्राउंड से रुको। वो इधर लेगा इस लेन में, स्ट्रेट में देगा तो मैं स्ट्रेट में। अभी यहाँ से कितनी दूर है? मैं इनके लिए गिफ्ट है, 1.5 किलोमीटर। तो मैं भी तो गिफ्ट ही हूँ तुम्हें, देखो। सही है भाई साहब, तुम सब मेरे बड़ा गिफ्ट हो, मैं तो इधर छोटे छोटे। ठीक है ठीक है, मैं नहीं मांग रहा कुछ भी, सब मेरे लिए गिफ्ट हो। ठीक है हम कमाते भी तो नहीं है, जो दे कमाएंगे जब दे देंगे। लेकिन तो जिस दिन मैं तुम्हें गाड़ी दिलवा दूंगी। कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? जो तुम कहो वो दिलवाऊंगी, बस कहना खिलौनों में से। सीधे चलो टॉयज में से। इतनी सारी जामुन क्या क्या दर्द कर रही है? कौन सी वाली? इस्कॉन आगरा। दोस्तों मंदिर परिसर में मुझे सब्सक्राइबर जी मिलते हैं, जो कि मुझे मिलाते हैं इस मंदिर के प्रेसिडेंट से। हाँ, आपके कजन प्रेसिडेंट है इस मंदिर के? हाँ जी हाँ जी। ओके जी चलो चलो। अभी मंदिर के पट नहीं खुले, पट खुलने के बाद पहले आरती होगी। जैसे पहले अभी तुलसी माता जी की आरती हो रही है। जय जगन्नाथ। देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों जगन्नाथ जी का मंदिर आगरा के कमला नगर में है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मतलब आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, मतलब सरप्राइज था कि मतलब जगन्नाथ जी की कृपा थी कि आप यहाँ पे आ गए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलेंगे, आते रहिएगा। बिल्कुल आते रहेंगे। तो फाइनली दर्शन हो गए जगन्नाथ जी के, अब हमें कहाँ जाना है। बहुत अच्छा लगा था, चलते अगर भीड़ नहीं हुई तो। मन खुश हो गया, दिल एकदम प्रसन्न हो गया आपका। अच्छा खाटू श्याम जी। हाँ जी, अगर भीड़ ना हुई तो। तो अभी खाटू श्याम जी के मंदिर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उस साइड बहुत भीड़ रहती है, तो अभी हम गाड़ी से हैं, तो किसी दिन स्कूटी से आएंगे तब चलेंगे, या फिर मंगला दर्शन में चलेंगे कार से ही, सुबह भीड़ नहीं होती। बिल्कुल सुबह सुबह। हाँ जी चले। भूख नहीं लगी? क्या खाना है? कछु भी। क्या कुछ भी जल्दी बताओ, जल्दी तुम क्या खाओगे? मेरा उपवास है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। माय गॉड सो सैड। तुम क्या खाओगे जल्दी बताओ? तो जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं बालाजी के मंदिर। बालाजी के मंदिर, तिरुपति बालाजी के मंदिर। ये है वो तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर आगरा के सदर बाजार में है। अंधेरे में ठीक से नहीं दिख पा रहा मगर मंदिर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और मंदिर परिषद में फोटोज वीडियोस अलाउड नहीं होती। आ जाओ। तुम्हें क्या मिला प्रसाद में? मेरे को आम मिला और ये कुछ मुझे नहीं दिया, मुझे सिर्फ आम दिया। स्पेशल लोगों के लिए ये प्रसाद। थैंक यू सो मच। राइट डोसा चले यार, पानी पिलवा दो। चलो फोटो तो खींचे। हां पानी पानी पीते हैं, फोटो खींच लेंगे। कहां खींचेंगे? अलाउड नहीं अंदर। चक्कर नहीं आएंगे? नहीं नहीं आएंगे। इधर ही ले लो ना, इस दीवार के बैकग्राउंड में जल्दी से पानी दिलाओ। हाँ इनके लिए, इनके लिए पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी, अगर ये पानी के मारे गिर गए तो किसी के बस की नहीं है। वेट कितना तुम्हारा? 130 है? 130 है ना? नहीं नहीं नकली है, सर रेगुलर मंगाते हैं। ये क्या हो रहा है? मच्छर मच्छर मच्छर। दोस्तों सभी के शेक्स आ चुके हैं और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नमकीन आई है। खाओ बेटा खाओ, तुम लोग सब खाओ, बिल मैं दूंगा। ठीक है जो ठीक है मैं चलता हूँ। बस फोन छोड़ जाना, कौन सा तुम्हें पिन पता है उसका? डोसा आ चुका है मेरे पास, पनीर डोसा। तेरे पास कौन सा है? मिर्च वाला डोसा। मेरे पास खाली डोसा है। तेरे पास? मुझे नहीं पता। और खाएगी? नींद आ रही है। क्या नींद आ रही है? तो देख रेस्ट रूम में जाके सो सकती है। मैं पहले से रेस्ट रूम मतलब सोने का ही रूम समझती हूं। बस इन बेबुद्धि बहनों के साथ यही दिक्कत है, खाने के नाम पर ये खाएंगे वो खाएंगे, फिर खाया कुछ जाता नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम अपने अपने घर पे जाने वाले हैं। सबसे पहले काका सेठ को इनके घर को छोड़ दें। 0% का खर्चा करवाया लेकिन इसका मैं हिसाब दुगना लूंगा। ओके जगह ही नहीं है, आपके घर पे आ चुके हैं हम। ठीक है, और काका सेठ हमारे लिए नेचुरल टॉफी लाए हैं। ए ओए ओए सारी आ गई एक्सेप्ट अनएक्सपेक्टेड मैंगो वाली। ओके जी दो ले गई मेरे पास, दो हैं। ठीक है ओके जी दो ले गई भाई, मेरे दो ही हैं भाई। सबके पास दो दो भाई, सबके पास दो दो। आ गई मेरी मम्मी, हमारी माता श्री आ चुकी हैं दोस्तों। तुम इधर आए कर देना जरा, बाहर आ गए। ओके काका सेठ तुमने धोखा दिया मुझे। किस बात का? फोटो का ना, फोटो तो और होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो आज खींचे वो भेज देना। ठीक है ठीक है भाई। और तू मुझे फॉलो कर लेना। नहीं ये अरे इधर बैठी है। बहुत मजा आया दोस्तों, अब हम सीधे घर चलते हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए आप सावधान रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी।